कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। दिल्ली में वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से हुई मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने भोपाल में इस बात के संकेत दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सेवादल की एक बैठक के दौरान कहा कि पीसीसी नए विजन के साथ युवाओं की टीम के साथ मैदान में उतरेगी, इसलिए एक्सरसाइज की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी सामने आएगी। बुधवार को संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से जीतू पटवारी ने मुलाकात की और इसके बाद गुरुवार को भोपाल में सेवादल की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ये संकेत दिए। हालांकि ये बात उन्होंने मीडिया से नहीं कही, लेकिन बैठक के भीतर मौजूद सेवादल के पदाधिकारियों को साफ तौर पर इशारा किया कि जल्द ही काम करने वाले लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम मुद्दों पर मीडिया को भी संबोधित किया। आज राष्ट्रपति जी का एक बयान आया है, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की आजादी के बाद पहला ऐसा बयान है जिसमें देश के राष्ट्रपति ने इस तरह का वक्तव्य, और भी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। ऐसे ही उनकी ही सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां दलित अत्याचार की राजधानी बन गई। छूट है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दलितों के ऊपर पेशाब करने की, उनको पेशाब पिलाने की, उनको नंगा करके मारने की, दौड़ा दौड़ा कर मारने की, घसीट घसीट के मारने की, कई उदाहरण हैं। अब तो पराकाष्ठा हो गई कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन दलितों के दमन में लग गया। कटनी की घटना क्या मैसेज है? मैसेज है कि मोहन यादव जी की सरकार ने छूट दे दी, अधिकारी दलितों पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों पर फूल अत्याचार करें और सरकार की छूट है। सीधा FIR होनी थी उस महिला अधिकारी पर, सस्पेंड किया। मैसेज है आप मारो हम बचाएंगे। मैं कटनी जा रहा हूं, आज हमारी सेवादल की मीटिंग थी, लक्ष्य था हर बूथ पर 2 सेवादल के, हमारे परिवार के लोगों के गठन की व्यवस्था बने, और एक जल्दी ऐसा समय आए जब 1,40,000 1,50,000 परिवार के लोग सेवादल के सफ़ेद खादी की टोपी में शांति की बात करके, देश की बात करके भोपाल में मार्च करें। इस व्यवस्था को बनाने का लक्ष्य आज हमारे सेवादल के सभी संगठकों को हमने दिया है। मैं मानता हूं आने वाले समय में कांग्रेस के स्ट्रेंथन की जब हम बात करते हैं तो सेवादल की भूमिका अहम होती है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया, तो विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा। जहां अत्याचार अनाचार अधिकार का हनन होगा, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाएगा, अपनी जान लगाएगा। लगातार आंदोलन इस बात के लिए घोतक है कि हम बीजेपी से के हर कुप्रबंध का पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचार का करेंगे, इनके घोषणा पत्र वचन पत्र पालन करने के लिए मजबूर करेंगे और इनका असली चेहरा प्रदेश की जनता तक लेके जाएंगे।